आगे की स्टोरी में आप सभी दर्शक देखेंगे कि बा और काव्या और सभी घरवालों के कहने पर वनराज तोसु को खोजने निकल जाता है, लेकिन जब वनराज लौट कर आता है तो वनराज बताता है कि तोसु का कहीं भी पता नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ अब तोसु कपाड़िया हाउस में चुपके से किंजल के पास आता है और परी को छीनने लगता है, जिसके बाद किंजल चिल्लाने लगती है, जिसके डर से तोसु पास में रखी चाकू को उठा लेता है और बोलता है मैं अपनी नस काट लूंगा और जान दे दूंगा। तभी अनुपमा आती है और बोलती है दे दे जान अपनी तू।